बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी है और कल इलेक्शन है। एक दिन पहले हम लोगों को छुट्टी मिली और हम अपना छुट्टी का दिन कैसे गुजारते हैं। सुबह काम शाम तो सारे हमने कर लिए घर के, अब हम लोग जाने लगे हैं जहाँ पर हम लोग पिछले साल जाया करते थे, दरिया के अंदर जो खुश्की का इलाका है, क्योंकि दरिया तो दूर हो चुका है हमसे। पहले तो यहाँ बहता था बट अब नहीं है, दरिया काफ़ी दूर हो चुका है। वैसे भी सर्दियाँ दरिया में पानी कम होता है, तो उस दरिया को देखने के लिए, साफ़ पानी को देखने के लिए और वहाँ पे जो नेचर है उसके लिए हमें थोड़ा सा सफ़र, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा जब मैं बच्चों के साथ गया था, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊँगा और सारा ऊपर से मनाजर दिखाऊँगा। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये जगह है, लेकिन ये देखें जी पानी खड़ा है यहाँ पर। कश्ती से या तो हम पार जाएंगे या हम कोई खुश्की का एरिया तलाश करते हैं। पानी वो सामने एक जगह थी शायद, अब हो वहाँ पे रास्ता बना हुआ था, चले देखते हैं। कश्ती वाले को बुलवाया है यहाँ पे बगैर पेट्रोल के, अभी वो यहाँ पे आ रहे हैं। डंडे से चप्पू चला के तकरीबन हम लोग मिड पर पहुंच चुके हैं और ये हमें इस तरह से खूबसूरत सी झोपड़ी नजर आई, ये पानी के लिए पीटर। और बस इस ग्रीन बेल्ट जो जितना ग्रीनरी नज़र आ रही है इसके आगे रेत शुरू हो जाएगी, फिर उसके आगे दरिया। आधा सफ़र तकरीबन हम लोगों ने कर लिया। अब ये है जी आगे, लेकिन ये सारी जगह जो है वो गीली गीली किस्म की है, वो आगे सामने। असल में हम लोग आज ज़रा गलत हो गए, वापसी पे ये रास्ता नहीं करना। वो सामने जो आपको नज़र आ रही जगह जो खुश्क है वहाँ पर जाएंगे साहिल पर। फाइनली हम लोग दरिया के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। देखें ये दरिया हमारे इस तरह समझें कि घरों के साथ बहता था, सड़क के साथ बहता था, हम कदर नहीं करते थे। आज इस दरिया के लिए, इसे देखने के लिए हमें इतना सफ़र करना पड़ता है। अल्लाह रहम करे कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। ये दरिया और कितना, अब ये छोटी सी बेल्ट है, उसके बाद फिर खुश्की है, इसके बाद फिर आगे, यानी इस वक्त जो दरिया बह रहा है इंडस्ट्री और पुल के नीचे, उसकी विड्थ इतनी है जितनी एक बड़ी नहर की होती है। तो हम लोग यहाँ पे लगाने लगे हैं कैंप यहाँ पे, तो उसके बाद हम कुछ खाते हैं। और वो रही सामने ब्रिज, ये सामने वो तख्लिस्तान और वो एरिया जहाँ पर हम लोग आते रहते हैं। उस दिन उसकी इसकी उस साइड पर थे, आज इसकी इस साइड पर हैं। तो हमारा कैंप लग चुका है और ये चाय का थर्मास। चाय आज हमने यहाँ पर नहीं बनानी, हम क्योंकि चाय बनवा के ले आए हैं, और खाना तो वैसे भी नहीं पकाना, वो भी हम अपने साथ कुछ खाने का बर्गर लाए हैं। और ये देखें सामने ये पानी के, फिर उस पार ये भी खुश्की है। अब यहाँ पे कश्ती होती तो हम यहाँ से भी पार वहाँ पे चले जाते और वहाँ से देखते कि फिर उससे पार। और अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो जो आखिरी वो जो सारी फॉरेस्ट की लाइन है, ये वो फॉरेस्ट है जो हमारे पिछले व्लॉग में था, जो ब्रिज क्रॉस करके होता है। तो बड़ी भूख लगी है, पहले हम कुछ खा लें फिर बातें करेंगे। ये चाय है, अच्छा नहीं डाली। ये देखें पानी भी साथ है और ये 2.5 लीटर वाली पानी की बोतलें हैं जो हमने घर से भरी थी, और ये थर्मास भी तकरीबन इसका वज़न भी 1.5 लीटर से ज़्यादा है। और कैंप और ये सारा सामान खालिद भाई ने बैग में डाला है, और मेरे पास इतना सामान नहीं था, तो सारा कुछ हमने ये सेट बना दिया। और ये हमारा कैंप, ये दरिया और ये रिवर आइलैंड, और वो खालिद भाई अपना ट्राइपॉड लगा है और वो सूरज। खाने लगे हैं हम लोग बर्गर। यार वो प्लेट आ गया, काट दे बैग।
तो जनाब हमने यहाँ पर करीब 3 घंटे गुजार लिए, असर का टाइम होने को है और बड़ा मज़ा आया इधर उधर घूमते फिरते रहे। आज पानी थोड़ा सा वैसा नहीं है जैसे पहले था। आपको पता है कि जितनी ज़्यादा गंदगी दरियाओं में डाली जा रही है, अब वो दरिया वैसे नहीं रहे जैसे थे। जैसे मैं आपको रास्ते में बता रहा था कि हम जो इतना सफ़र करते हैं या अक्सर ब्रिज के पार जाते हैं, दरिया के करीब जाते हैं, तो नेचर के लिए जाते हैं ना, जो अब नहीं रही शायद। तो अब बड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ कि अब इस जगह पर भी, मतलब शायद कहीं पे लिंक किया है गंदगी के नाले को, अब यहाँ पर भी वही हालत है। तो हमने चाय पी बड़े मज़े से, और चाय हमारी है अभी दोबारा पीते हैं, बर्गर खाए बहुत मज़ा आया। और अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास अगर अपनी हम वो हवा जो जिसमें भरते हैं वो वाली किश्ती लाएँ और दोबारा हम इसे क्रॉस करके, एक मेरा बड़ा शौक़ है कि हम हमारे पास इस तरह हो, हम फिर उसे कंधों पे उठाएं, फिर आगे चले जाएं, फिर पानी में उतार दें, फिर इस तरह हम ये जितनी भी खुश्की के एरिया है ना, तो इनको घूमें फिरें। एक्सप्लोर तो मैं नहीं कह सकता, मतलब घूमें फिरें। तो हम लोग चलने लगे हैं, कैंप क्लोज करते हैं और जो ख़त्म आता है उसको पैक करते हैं। बहुत मज़ा आया। और एक अजीब सा काम ये हुआ कि वो जो ड्रोन की वो थी क्या कहते हैं उसको, कार्ड, उसका करप्ट हो गया। तो कोई समझ नहीं आ रहा क्या करें। कार्ड इस तरह की चीज़ हैं कि मतलब इतना छोटा सा होता है ना, वो रिपेयर होता है ना कुछ होता है, और बहुत कीमती होता है क्योंकि उसमें डेटा होता है। तो अब चार्जिंग पे लगा हुआ है, ट्राई करते हैं अगर उसमें कुछ है तो। एक दो और यहाँ के शार्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने कहा इख्तितामी वो वीडियो बना लें। तो जनाब जाने लगे हैं घर की तरफ, को घर के काम भी कर लें। और नादरा आजकल खुला होता है रात को, तो बच्चों के कोई फार्म है, फार्म बे जो होते हैं, फार्म बे होता है कौन सा, हाँ जी वो बनवाने हैं। तो उम्मीद है कि रश कम होगा इस टाइम, तो वो बनवाते हैं फिर घर जाते हैं, घरों के काम करते हैं। ओवरऑल आज बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया। दिन कहाँ गुजरा, कुछ ही घंटे गुजरे। प्लान वैसे हमारा सुबह से था, लेकिन सारे बंदों के कोई ना कोई क्या कहते हैं मसरूफियत, खपत थी खपत, तो मसरूफियत से ज़्यादा, तो इसलिए हम हमारा एक प्रोग्राम नहीं बना। वरना हमारा प्रोग्राम ये था कि हम लोग यहाँ पर आएंगे, अब फुल लोडेड आएंगे, सामान के साथ आएंगे, अपना खाना पीना चाय वाय सारा कुछ खुद बनाएंगे। तो हमारे कारी साहब हैं ट्यूशन, उनकी जान नहीं छोड़ रही, अब्दुल माजिद भाई कहीं बिजी थे, ज़िया भाई राख हैं, बाकी हमारे जो मेम्बरान हैं वो, हाँ अब्दुल्हाई भाई ट्यूशन तो नहीं पढ़ाते, वो फिर किधर बिजी हैं, कहीं बस अपने किसी काम से, मतलब कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो ये देखें, ये सहरा क्रॉस करेंगे और आगे फिर सारी ज़मीनें आ जाएंगी, एग्रीकल्चर वाली फसलें यानी के, और उनको क्रॉस करेंगे, फिर पानी होगा पानी क्रॉस करेंगे, फिर रेत होगी रेत क्रॉस करेंगे, सड़क आएगी बंद रोड, और फिर वहाँ पे बाइक खड़ा है मेरा, इनका घर इधर ही है, मैं फिर बाइक उठा के घर। तो जल्द मुलाकात होती है किसी नए सफ़र में, किसी नए मकाम पर, या शायद पुराने भी हो सकता है। अपने और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।